इन्फोवर्ड के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि गूगल एडसेंस का पिन कोड आपने कैसे इस्तेमाल करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इन्फोवर्ड के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो गूगल एडसेंस के पिन कोड के बारे में है जो कि मुझे आज ही मौसूल हुआ है। ये पिन कोड मैंने 3 या 4 दफ़ा अप्लाई किया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाज़ दफ़ा एड्रेस की वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, तो बिलाखिर मुझे आज ये मौसूल हुआ तो मैंने कहा एक वीडियो बना लूँ और आपको ये बता दूं कि ये गूगल एडसेंस का जो पिन कोड है वो कैसे रिसीव होता है। तो ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान पोस्टल सर्विस के थ्रू डिलीवर किया जाता है और इसकी जो पैकिंग है वो कुछ इस तरीके से है कि ये हमें एक कार्ड की तरह नज़र आता है। बेसिकली ये एक एनवेलप है जिसमें आप देख सकते हैं कि एड्रेस के साथ ये गूगल एडसेंस का लोगो और यहाँ पे एक स्ट्रिप आपको नजर आ रही है तीनों तरफ कि यहाँ से आप इसको काट सकते हैं। यहाँ पे एक डॉटेड लाइन भी है, इससे हमने इसको काटना है। तो नाजरीन कराम, इस एनवेलप की ये फ्रंट साइड है जिसपे आपको ये कुछ कोड वगैरह नज़र आ रहे हैं जो कि टिकट के तौर पे यूज़ होते हैं, जो कि ये यूके से आया है। और इसके अगर हम बैक साइड देखें तो यहाँ पे भी आपको गूगल एडसेंस का लोगो नज़र आ रहा है और ये रिसीविंग स्टैम्प है जो कि काफ़ी दिन पहले किया है। मैंने इसको ब्लर कर दिया है थोड़ा सा ताकि आपको ये ना मेरी लोकेशन का ना पता चले। तो वीडियो को लंबा करने से बेहतर है कि मैं इसको शॉर्ट करूं, तो इसको मैं यहां से डॉटेड लाइन से काट रहा हूं। सीजर की मदद से या किसी कटर की मदद से आप इसको काट सकते हैं। यहां से मैंने इसको काटा। अब इसकी जो बाकी दो साइड्स हैं वो भी मुझे काटनी पड़ेंगी। पहले मैं ये साइड काट लेता हूं। तो ये दो साइडें काटने के बाद अब मैं इसकी तीसरी साइड भी काटता हूं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी तीनों साइडें जो हैं वो काट दी हैं और इस तरीके से ये एक पिन कोड यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसमें पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि स्टेप 1 पे आपने साइन इन करना है, स्टेप 2 पे आपने उसकी सेटिंग में जाना है और पेमेंट में जाना है, स्टेप 3 में आपने अकाउंट जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर जाना है और फिर वेरीफाई एड्रेस पर क्लिक करना है। जब इसको क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर स्टेप 4 में जाके जो पिन है इसका, यहाँ पे मैंने उसको ब्लर कर दिया, वो पिन वहाँ पे डालना है और फिर सबमिट पिन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह वो वहाँ से उसको वेरीफाई कर देगा। तो नाज़रीन कराम, इस तरह ये जो पिन कोड है ये गूगल की तरफ से रिसीव होता है और उसको वहाँ पे एंटर करने के बाद पेमेंट हम वसूल कर सकते हैं। आपने गूगल एडसेंस की वेबसाइट खोलनी है, उसके बाद आपको एड्रेस वेरिफिकेशन की ऑप्शन यहाँ होम टैब में भी मिलेगी, ये लेफ्ट साइड पे, यहाँ से भी आप वेरीफाई पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपकी होम पेज पे पिन नहीं हुई हुई तो आप अकाउंट ऑप्शन पे जाकर
यहाँ पर क्लिक करें और फिर यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो पेज डिस्प्ले होगा इसमें यहाँ पे ये वेरीफाई एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज दिखाई देगा जिसमें वो आपसे कह रहा है कि एंटर योर पिन। इसमें बाकी आपकी वो सारा एड्रेस वगैरह और इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे ये भी है कि कब आपको लेटेस्ट जो पिन रिक्वेस्ट है वो आपने भेजी थी। अगर हम इसको यहाँ नीचे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू वेरीफाई योर एड्रेस प्लीज एंटर योर पिन एज प्रोवाइडेड इन द कार्ड सेंड टू यू बाय गूगल। प्लीज नोट दैट इफ योर पिन इज एंटर्ड इनकरेक्टली 3 times एड सर्विंग विल बी सस्पेंडिंग। तो यहां पे हमने वो पिन कोड डालना है जो कि हमें रिसीव हुआ है, तो मैं वो पिन कोड यहां पे डालता हूं। तो बड़े ध्यान से आपने ये 6-digit कोड जो पिन कोड है वो यहां पे आपने एंटर करना है और उसके बाद आपने सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह नाज़रीने किराम होम टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो बिलिंग एड्रेस है वो वेरीफाइड मिलेगा, योर बिलिंग एड्रेस हैज बिन वेरीफाइड। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपके लिए पिन कोड को वेरीफाई करना आसान होगा, आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा।